हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो चैप्टर डिस्कस करते हैं हरियाणा पीसीएस के लिए या हरियाणा के और भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें हम बाकी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फ्लोरिकल्चर के बारे में, फ्लावर का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिशरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ इसमें ज़्यादातर आपको याद क्या रखना है, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या याद करना है। चलिए, अगर हरियाणा में फ्लावर की प्रोडक्शन की बात करें तो मेनली रोज, मैरीगोल्ड, रजनीगंधा और ग्लैडिलस फ्लावर क्या करता है, उगाया जाता है। आपको याद नहीं रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई एरिया जो कल्टिवेशन होता है वो होता है मैरीगोल्ड का। ठीक है, क्या याद है क्या? और एक और बहुत अच्छा चीज़ आपको याद करना है, क्या ये जो डिपार्टमेंट वगैरह टाइप है ना, जो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फार्मर को या ऑर्गेनाइजेशन को, उसका हेड क्वार्टर वगैरह कहाँ पे है या कहाँ पे उगाया जाता है, ये सब एग्ज़ाम में आता है, वनडे एग्ज़ाम में। देखिए, द स्टेट हैज सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर इन असिस्टेंस विथ नीदरलैंड इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है, फ्लोरिकल्चर यानी फल की खेती को और ज़्यादा एक्सीलेंट और ज़्यादा अच्छा विकास करने के लिए किस डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया गया? तो आप बोलना झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपसे पूछा जाएगा किस देश से हमने क्या किया है, असिस्टेंस लिया है, नीदरलैंड से। हम उसी देश से असिस्टेंस लेते हैं ना जो इस फील्ड में अच्छा काम कर रहा होता है। तो इतना हमें इस पेज से सिर्फ याद करना है, मैरीगोल्ड और उसके अलावे झज्जर और उसके अलावे याद करा नीदरलैंड, इतना ही याद करो। अब मैं आपको ये भी बता देना चलूँगा, ये मैं किस हिसाब से बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी बुक के लास्ट में दिया हुआ है उसी के हिसाब से। चलिए, फ्लावर एंड एरिया प्रोडक्शन। फ्लावर अब देखो रोज कहाँ कहाँ पे होता है, पानीपत में, सोनीपत में, गुरुग्राम में। ज़्यादातर एक एक करके याद करने की जरूरत नहीं, गुरुग्राम, उसके अलावे पानीपत और सोनीपत, यहाँ पे रोज होता है। ठीक है, मैरीगोल्ड गुरुग्राम, सोनीपत झिंड, रजनीगंधा फरीदाबाद, ग्लैडिलस ये फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, याद नहीं करिए। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर, फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, कम से कम कुछ इनिशिएटिव है, देख लेते हैं। भावंतर भारपेयी योजना, सेकेंड है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की, कहाँ पे होगा यही याद करना है। हॉर्टिकल्चर मिशन क्या है, इजराइल के साथ कौन प्रोजेक्ट चलाते हैं, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट का क्या मतलब है, विजन क्या है हमारा 2026 वाला, क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, किसान ई पोर्टल क्या है, फार्मर क्लब क्या है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर क्या है। इतना ही बस आप में स्कीम में इतना ही, अब इसमें ही बताऊंगा कि क्या, बस भावंतर भार पे सिंपल समझो ना। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एक होता है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब खुद सोचो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कुछ ही फसल के लिए होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि अगर एक लेवल से ज़्यादा अगर प्राइस कम ही हुआ, जैसे फार्मर ने उगाया, अब उस समय मार्केट कोलैप्स है, प्राइस बहुत सस्ता है मार्केट में, तो फार्मर तो कोई न घर करेगा न घाट करेगा, तो आराम से मार्केट में बेचेगा, तो उसको इतना सस्ता बिक जाएगा। तो फार्मर बोलता नहीं, हम किसान के साथ हैं, इसलिए आप एमएसपी पे बेचो हमें। या अगर कोई आपके गांव में ही कोई व्यापारी एमएसपी पे लेता है तो ठीक है, एमएसपी से कम पे लेता है तो आप उसको मत दो, सीधा मुझे दो। ठीक है, इसका मतलब किसान से क्या बोला जा रहा है, भाई आपको अगर लग रहा है ना कि मेरा सामान सस्ता बिक जा रहा है तो हम आपको कंपनसेशन देंगे। ध्यान देना, हम आपको कंपनसेशन देंगे, समझ में आया ना? क्योंकि ये बात तो अब कंपनसेशन देंगे, आप सस्ता मत बेचो। लेकिन अगर यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे तो गवर्नमेंट बोले डायरेक्ट तो हमको दे दो, लेकिन अगर फ्रूट का केस देखें तो फ्रूट भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि फ्रूट तो पेरिसेबल आइटम है, जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आप सरकार को देने जाओगे कितना दिन तक रहेगा, सड़ जाएगा भाई। तो सरकार बोलती है फार्मर को कि आपके मार्केट में जो भी बिक रहा है बिक दो, बेच लो, आपको अभी 100 रुपया आप बिकना चाहिए था, लेकिन आप 50 रुपया बिक रहा है, बिक दो, इस 50 रुपये का हम देख लेंगे, ये कंपनसेशन हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। देखो द स्कीम वॉज लॉन्च 2017 में लॉन्च किया गया। इस स्कीम में क्या था, फार्मर्स बिल एश्योर्ड ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ प्राइस गो बिलो द मेंशन प्राइस, अगर उस प्राइस से कम चला गया तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको कंपनसेशन देंगे। बोला ना कंपनसेशन सरकार दे रही, क्योंकि सरकार खुद खरीद नहीं सकती फल यार। सरकार क्रॉप तो खरीदती है, तो क्रॉप के लिए एमएसपी है चल रहा है, लेकिन अब वेजिटेबल फ्रूट इस सब के लिए क्या, इस सब के इन्होंने तरीका दे दिया। तो आप बोलोगे ये क्या पूरे सब फ्रूट के लिए है, सब फ्लावर के लिए है, मतलब सब फ्रूट सारे वेजिटेबल के? नहीं भाई, ये कंपनसेशन अभी तक सिर्फ 4 वेजिटेबल के लिए है जो ज़्यादातर फार्मर अधिकतर उगाते हैं, टोमेटो, टमाटर, पोटैटो, आलू, अनियन और कॉलीफ्लावर, ठीक है ना, प्याज और जो फूल गोभी होता है वो वाला। अब क्वेश्चन उठेगा भावांतर भार पे योजना, भार पे मतलब आप पे जो जैसे फार्मर पे भी लोड था कि भाई 100 रुपये का सामान 50 रुपये में बिक रहा है, यही एक महीने बाद 100 रुपये में फिर से बिकेगा, तो फार्मर का जो भार है, फार्मर का जो लोड है, फार्मर का जो कर्ज है वो सरकार पे कर देगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फार्मर सस्ता बेचेगा तो फार्मर जो कर्ज लिया है अभी तक चुकाया नहीं होगा ना भाई, समझ रहे हो ना, एक थोड़ा इनडायरेक्टली। इस स्कीम को सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च किया गया, करनाल में लॉन्च किया, याद रखिए गंगर विलेज में, करनाल में, समझ में आया ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी, बताने की बात हो गई भाई, सिर्फ जगह याद कर लो कहाँ पे, करनाल में यूनिवर्सिटी। क्या काम करी ये तो हमें सब पता है, हॉर्टिकल्चर ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करना कि लोकल पीपल के जो नीड्स है उसको फुलफिल करें। तो क्या है कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी एट करनाल, जो कि रिसर्च करेगा किसमें, हॉर्टिकल्चर के प्रैक्टिस में, ठीक है ना। 2017 से फंक्शन है। नेक्स्ट को है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये ऑब्वियसली नेशनल है तो यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, और ये कौन सा मिशन है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ताकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर का होलिस्टिक ग्रोथ किया जा सके। कोई दिक्कत नहीं है ना। हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट में चालू हुआ, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट कवर नहीं है, जैसे फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, ये कवर नहीं है। सिंपल आपको इसमें याद रखना कि शुरू कब हुआ, ठीक है ना, और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में ज़्यादा याद नहीं रखो। देखो हरियाणा स्पेशल करो तो हरियाणा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, ज़्यादा दो, क्योंकि बाकी तो आप कर ही लोगे। इंडो इजराइल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है, इंडो इजराइल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है। देखो इस ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इंडिया से रिलेटेड नहीं। देखो यहाँ पे देखो, हरियाणा गवर्नमेंट ने सेटअप किया है इंडो इजराइल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट, कहाँ पे, करनाल में, घरौंदा डिस्ट्रिक्ट है, घरौंदा मतलब घरौंदा जगह का नाम है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में, ताकि फार्मर ऐसे वेजिटेबल भी ग्रो कर सके जो अनसीजनल हो, ऐसे नहीं, क्योंकि सीजनल में सस्ता हो ही जाता है। सीजन में आलू के सीजन में आलू उगा रहे हो, कॉलीफ्लावर के सीजन में कॉलीफ्लावर भाई सस्ता हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा बिकेगा नहीं, इसलिए आप जब सीजन ना रहे तब लगाना, मज़ा आएगा ना, ठीक है। चलिए इस प्रोजेक्ट में क्या है, सीडलिंग ऑफ वेरियस वेजिटेबल जैसे टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर या कैप्सिकम, इस सब को प्रिपेयर किया जाएगा ग्रीन हाउस में, पोली हाउस नेट हाउस में, और फिर मतलब कैसे न कैसे करके इस प्रोजेक्ट के तहत सीडलिंग तैयार करेंगे। कैसा सीडलिंग, कि भाई अनसीजनल, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बिना सीजन के भी ये उगने लगे, ठीक है ना, पहले ये कर लेंगे और फिर फार्मर को स्प्रेड कर देंगे, बांट देंगे। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, कहाँ पे, बस याद कर लीजिए, डेवलप कहाँ पे किया गया है, गन्नौर, पंचकुला और सोनीपत, मतलब 2 जगह पंचकुला और सोनीपत, ठीक है ना, आप ये भी जगह थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है ना। होलसेल फ्रूट और वेजिटेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हरियाणा गवर्नमेंट ने, और एक किसके साथ मिलकर बनाया है, ध्यान देना है, क्या नीदरलैंड, नहीं, मेक यूज ऑफ फ्रेंच एक्सपर्टाइज इन हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग, समझे ना, फ्रेंच के हेल्प से, ठीक है। हमारा विजन क्या है, 2026 का विजन क्या है? विजन है कि हम एरिया को इन्हांस करेंगे 7% से लेकर 25% तक। अभी 7% एरिया में हम कल्टीवेट कर रहे हैं ना, उसको 25 करेंगे, ठीक है ना। फॉर दिस मॉडल विलेज डेवलप करेंगे जिसको हम बोलेंगे बागवानी ग्राम, समझ में है ना, मॉडल विलेज, ताकि दूसरा विलेज उसको देख कर कुछ सीखे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो क्रॉप क्लस्टर सिंपल समझो ना कि आप कोई क्लस्टर बना दो, सिंपल है, मैं कोई आलू पोटैटो का क्लस्टर बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 2-3 गांव को इकट्ठा कर दूंगा, यहाँ पे मैं अपना प्रोसेसिंग यूनिट सब कुछ खोल लूँगा और यहाँ पे अच्छे से खेती करूँगा। तो यही वहीं पे होता है क्लस्टर में। इसने क्या किया, कुछ गांव को मिला लिया, उसको कुछ क्लस्टर में कन्वर्ट कर दिया और उस गांव को हॉर्टिकल्चर विलेज बोलने लगे। और उस क्लस्टर में सारी फैसिलिटी है, जैसे पैक हाउस, पोली हाउस, पैकेजिंग मशीनरी, कोल्ड स्टोरेज, सब कुछ, क्योंकि यहीं पे सब कुछ होता है, सोलर सेल सेंटर, रेफर वैन, सब कुछ है ना, यहीं से सब कुछ सारा व्यवस्था है। यहीं पे प्रोडक्शन करो, यहीं से सेलिंग करो, सब कुछ यहीं पे करो। लेटेस्ट क्लस्टर जो अभी डेवलप किया गया है गुरुग्राम के उच्च मांजरा विलेज में। इसके बाद कोई होगा तो आप करेंट अफेयर से देख लेना प्लीज़, क्योंकि बुक में है तो हो सकता है मे भी पुराना भी हो, इसको थोड़ा आप देख लेना। किसान ई पोर्टल, ठीक है ना, किसान ई पोर्टल ये ऐसा पोर्टल है कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इसमें क्या करेंगे, विलेजर को क्या करेगा, लिंक करने का कोशिश कर रहा है ताकि विलेजर को वेदर, सीड प्लांटेशन, मार्केट रेट सब के बारे में पता चले, ठीक है ना। नेक्स्ट है फार्मर क्लब। क्या है फार्मर क्लब? देखो फार्मर क्लब का सिंपल मतलब है हम सब फार्मर हैं, हम सब एक फोरम बना लेंगे। फोरम में हम क्या करेंगे, अपने बातों को डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट हम लोग अपने बातों को रख सकते हैं और ये बात दूसरों को सुना सकते हैं, क्योंकि फार्मर का डिसीजन, फार्मर को क्या प्रॉब्लम है, फार्मर के ऊपर रहने वाले मिनिस्टर या ऑफिसर से ज़्यादा कौन सोच सकते हैं, फार्मर सोच सकते हैं। तो फार्मर के फोरम से क्या हो सकता है, बात इन तक पहुँच सकते हैं, फिर ये उसी हिसाब से काम करेंगे। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर कहाँ पे सेटअप किया गया, 7 जगह पे सेटअप किया गया था, सामगर, घरौंदा, मगनिया, लडवा, रामनगर, झज्जर और भूना, याद नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था 2012 में, उसमें पता चला कि ऑलमोस्ट 8.8 मिलियन है यहाँ पे पॉपुलेशन लाइव स्टॉक का, ठीक है। उसके अलावे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, ऑलमोस्ट 3000 वेटनरी इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से याद नहीं करना है, ठीक है। जैसे हर 3 विलेज पे एक वेटनरी हॉस्पिटल है, जानवरों का हॉस्पिटल है। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें देखो यहाँ पे है डंकी, म्यूल, सब कुछ है, ठीक है ना। जैसे डंकी, म्यूल, कैमल ये सब ड्राई पार्ट में रहते हैं, याद रखना है। देखो टोटल बस इतना याद रखो कि टोटल जानवर जो है ना उसमें सबसे मेजॉरिटी कौन है, सबसे मेजॉरिटी है किसका, बुफेलो का, 69% ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद कैटल आते हैं 20%, गोट आते हैं, सीप आते हैं, पिग आते हैं, बस इतना ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है बुफेलो, ठीक है ना। पर कैपिटा मिल्क का बहुत ज़्यादा है यार, 878 ग्राम, जो कि इंडिया के एवरेज से भी ज़्यादा है, ठीक है। बुफेलो की बात कर ले तो ये सबसे ज़्यादा है ही। अब क्वेश्चन होता है किस राज्य जिला में सबसे ज़्यादा है, तो भिवानी में, ठीक है, भिवानी में सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा बस इतना याद कर लें, कम है वो याद नहीं करें। और जो वेराइटी है इम्पॉर्टेंट है, एक है मुर्राह वेराइटी बुफेलो की, ठीक है ना, मुर्राह, और एक सुपीरियर ब्रेड है, ये वैरायटी है जो हरियाणा में आपको मिल जाएगी, इंडिजीनियस वैरायटी है हरियाणा की, पूरे कंट्री में फेमस है। इसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड कहाँ आपको मिलेगा, रोहतास, हिसार, झिंद, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे बुफेलो का पॉपुलेशन है, भिवानी, ठीक है। उसके बाद काऊ की बात करते, एक हरियाणा ब्रीड है, साहिवाल ब्रीड है, ये सब यहाँ पर उगता है। उसके बाद एक जर्सी कैटल भी होता है, कहाँ पे ज़्यादा ये याद नहीं करिए, बहुत टफ हो जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन कहाँ पे, सिरसा में है, तो आप काऊ के सामने सिरसा लिख लो बुफेलो के सामने भिवानी लिख लो, हो गया इतना, ठीक है ना। ये बस ये छोड़ सकते हो। नली ब्रीड उगाया जाता है हिसार में, और उसके अलावा हिसार दाला एक पॉपुलर ब्रीड है, भिवानी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भिवानी में है, ठीक है। गोट की बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोट का, ठीक है ना। फेमस वैरायटी कौन कौन है, हरियाणा का बीटल, नागफनी, ये सब है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा मिलता है, याद नहीं करना है। डोंकी भिवानी में सबसे ज़्यादा मिलता है, कैमल भिवानी में, सोनीपत पिग्स, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है ताकि एनिमल हस्बेंड्री को डेवलप किया जाए, जैसे हस्बेंड्री से रिलेटेड, जैसे लाइव स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम, हरियाणा गौवंश संरक्षण एंड गौ संवर्धन। उसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण दुधारू पशुधन सुरक्षा योजना, उसके बाद बंज मुक्त पशुधन, उसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, और इसके अलावा कई सारे स्कीम हैं। उसके बाद इसका ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, बुफेलो से रिलेटेड, हॉर्स से रिलेटेड, वेटनरी से रिलेटेड, लाला लाजपत राय कहाँ, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद फिशरीज, यही है, इतना ही है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री के लिए कब ओपन किया गया, 1986 में। क्यों ओपन होगा तो पता है, ताकि एनिमल के हेल्थ केयर को आप ध्यान रख सकते, अच्छी ब्रीड ला सके, ये सब, ठीक है। कुछ इनिशिएटिव है, पहला है लाइव स्टॉक के लिए इंश्योरेंस स्कीम, नॉर्मल है, याद नहीं रखना है। 2016 में आया, तो इंश्योरेंस के लिए कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, तो प्रीमियम जानवर टू जानवर वेरी करेगा ना, वही बात लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा गौवंश, उसके बाद है संरक्षण और गौ संवर्धन, संरक्षण और संवर्धन। यहीं से पता चला है कि आप गौ को संरक्षण करो और उसका क्या करो, संवर्धन करो, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल है, संरक्षण का मतलब क्या, आप किसी घर से गाय को खोल के थोड़ी ले आओगे उसका संरक्षण करने के लिए, या संरक्षण का मतलब यही होता ना कि यार कोई गाय है, वो अनइकोनॉमी गाय है, या कोई इंजर्ड गाय है, रोड पे फेंक दिया है किसी ने, रोड पे खोल के रख दिया है, तो आप उसका कोई ऐसा सेंटर तो बनाओ जिसका जो उसका ख्याल रखे। उसके अलावा संवर्धन का मतलब होता है हम अपने जो इंडिजीनियस ब्रीड है ना, उसको सहेज के रखें और उसको अपग्रेड करें ताकि पूरी दुनिया में वो फैल सके। आपको समझ में आया ना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण दुधारू पशुधन का सुरक्षा करना है, सुरक्षा कि अगर, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो क्योंकि अधिकतर जो एनिमल जो लोग पालते हैं उसमें से मोस्टली 90% से भी ज़्यादा मान लो पुअर पीपल होते हैं, क्योंकि एनिमल वो लोग भी पालते हैं जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास खेत भी नहीं, मतलब गरीबी तो होता है। तो अगर उसके घर में अगर सडन एनिमल का डेथ हो जाए, सडन, तो आपको लगता नहीं कि एक दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा, तो सरकार क्या कर सकती है, उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकती है कि सडन डेथ के केस में, सडन डेथ ऑफ मिल्च एनिमल, जो दूध देते हैं ना ऐसे एनिमल के केस में। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट है बांझ का मतलब क्या होता है, जो अनप्रोडक्टिव हो। बांझ हम लोग इवन थोड़ा सा सही वर्ड नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे गांव वगैरह में लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे जिस वुमेन या मेल के या पेरेंट्स के बच्चे नहीं हो, मतलब पेरेंट्स लोग मतलब जिसको बच्चे नहीं, उसको लोग बांझ वगैरह वर्ड बोलते हैं, तो थोड़ा सा अजीब वर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, बांझ मुक्त मतलब ऐसा पशु जो क्योंकि बच्चा हो हमेशा, ठीक है ना, तो इसका पर हेड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और रेगुलर ब्रीडिंग हो, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये प्रोग्राम किसके अंदर आता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर आता है, याद करना। नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें सिंपल है कि जो इंडिजीनियस कैटल है ना, उसके या बुफेलो या कैटल कुछ भी हो, उसके ब्रीड को इम्प्रूव करो, ठीक है ना, उसके ब्रीम को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, और जो हमारे अपने इंडिजिनस हैं उसको ब्रीड को इम्प्रूव करने की। वुमेन डेयरिंग डेवलपमेंट इसका, इसमें रूरल वुमेन को क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिया जाएगा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ये स्कीम के लिए, ठीक है ना, ताकि वुमेन क्या करे, पैसा दो, जानवर खरीदेगी, उगाए, जानवर को पालेगी, बहुत पैसा कमाएगी। वेटनरी सर्विस के बारे में है, ठीक है ना, वेटनरी सर्विस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट फार्म। तो वेटनरी सर्विस में क्या होता है कि अगर आपको, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि इंसान का जो डॉक्टर होगा वो जानवर को देख, नहीं, क्योंकि उसमें स्पेशलिटी आनी चाहिए। तो क्वालिटी वेटनरी सर्विस के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करके पोली क्लिनिक बना दिया गया फेज मैनर में, ठीक है ना। कुछ पोली क्लिनिक कहाँ कहाँ पे याद कर लो, सोनीपत, भिवानी और सिरसा में। उसके अलावा और भी पेट एनिमल मेडिकल सेंटर कम टीचिंग हॉस्पिटल है पंचकुला में, ये इम्पॉर्टेंट है, और इवन पोली क्लिनिक रोहतक में भी। ये लाइन थोड़ा सा रेड कर सकते हो, सिंपल समझो ना कि वेटनरी सर्विस ऐसा कि कोई भी देख लेगा, नहीं, आप उसको अपग्रेड करो। नॉर्मल बीमारी तो देख लेते हो, चलिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिंपल है, डिपार्टमेंट क्या सोच रही है कि ट्रेनिंग देने का बात करिए। ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई भी जानवर पाल लेगा, कोई भी खेती कर ले, नहीं, आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन किस फील्ड में, यूथ इस फील्ड में। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल इसको एज ए बिजनेस भी बना सकते हो, और बहुत लोग बनाते ही हैं, ठीक है ना। तो क्या स्कीम का नाम है, इट इज़ ऑल्सो इनिशिएटेड, एक स्कीम को इनिशिएट किया है पशुधन विकास वाहिनी, ठीक है ना। फार्मर को डोर स्टेप पे क्या करना, ब्रीडिंग सर्विस प्रोवाइड करना, पशुधन विकास वाहिनी। गवर्नमेंट की फार्म की बात करते हैं, ठीक है, ताकि ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस और क्रॉस ब्रीड लाइवस्टॉक के लिए आप कुछ फार्म को ओपन कीजिए। इसमें हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर आपको हिसार में मिलेगा, क्वेश्चन याद कर लीजिए। हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे, हिसार में। गोट ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे, हिसार में, दोनों हिसार में। पिग ब्रीडिंग सेंटर अम्बाला में और हिसार में है, और वुल ग्रेडिंग और कम मार्केटिंग सेंटर हिसार और लोहारू में है, ठीक है। यही यहाँ पे दिया है, बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार, नेशनल हॉर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार, वेटनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिसार, लाला लाजपत राय, सब हिसार, ठीक है। और बाकी 2-3 जगह यहाँ पे था ना, हिसार और लोहारू। चलिए, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करती है, करनाल में, याद कर लो, ये इतना ही याद कर लो, ठीक है ना। और नए ब्रीड को डेवलप करना, एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये याद कर लो, क्लियर। चलिए, मिल्क सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। ये सोसाइटी कहाँ कहाँ पे फंक्शन, सिंपल सोसाइटी, मिल्क एज ए सोसाइटी काम नहीं करते वो वाला। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, और इसके अंदर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, वो सब हमने देख लिया। अब लास्ट है फिशरीज सेक्टर है, आपको बस क्या याद रखना है, जैसे रिवर रेवलेट, यहाँ सब फिश का प्रोडक्शन होता है। इम्पॉर्टेंट वन कौन कौन है फिश है याद नहीं करना है, ठीक है। उसका इकोनॉमी सर्वे में पुराना डेटा है, इसको ध्यान नहीं रखना है। इवन आप बस नया करेंट अफेयर्स के साथ कर लेना, ठीक है। नया फिश मार्केट बहादुरगढ़ और गुरुग्राम इस्टाब्लिश करने की बात कर रही है, और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है शहर में, ठीक है। बस इतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उसके अलावा जो हमारा लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है, राकेश यादव सर की सब्जेक्टिव, एनसीईआरटी की सब्जेक्टिव नहीं, राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी के सामने, ये बुक सब आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज कर के। एक सेकेंड, 1 सेकेंड मैं नंबर आपको लिखता हूँ, 9582062485। आप डिस्क्रिप्शन में देखो, आपको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, sim@ncrt जोन है, ये है आईडी NCERT जोन करके, सिंपल। और फेसबुक वाला यही है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, इवन व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और वहाँ पे मेरा नंबर है, इवन आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कोई डाउट हो तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।